नमस्कार, बेसिक मैथमेटिक्स के सेकेंड भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने कवर किया था जोड़ घटाना गुणा भाग। अब इस भाग में हम लोग कुछ विशेष प्रकार के जोड़ घटाना से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट टू। 7 + 5, 7 - 5, ये आपने बहुत किया है। 7 × 5 = 12 और 7 में 5 गया 2, ठीक ना। अब देखिए, इसमें यदि ये ऐसा हो तो देखिए, ये पहला अगर इस तरह को हो, देखिए अगर दोनों में माइनस लगा हो, ठीक ना, ये दोनों में माइनस, सब में माइनस, -7 - 5 - 7 - 10 - इसको भी कुछ अलग कर लेते हैं, 7 7 हो रहा है, -10 - 3। तो क्या करते हैं, इसमें अगर दोनों में माइनस लगा हो तो माइनस 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 हो जाता है, चिन्ह माइनस में होता है और अंक जुड़ जाता है। तो माइनस माइनस माइनस, 7 - 5 = 12, ठीक। इसी प्रकार माइनस 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 और 7 - 10 = 17, ठीक ना, मतलब माइनस का चिन्ह लगता है और अंक जुड़ जाता है। 10 - 3 = 13 माइनस साइन के साथ, ठीक ना, ये हो गया। अब अगला प्रकार का देखते हैं, 7 - 10 - 5 - 10 - 5 - 7 - 12 - 15 - 8 - 12। देखिए ये किस प्रकार का है, हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना हो तो हमेशा चिन्ह माइनस का लगता है और घटता बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या है। तो 10 में से 7 गया 3, फिर इसमें भी देखते हैं 5 में 7 नहीं जाएगा, उल्टा है, तो इसका मतलब माइनस लगेगा, और 7 में ही 5 जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2, 12 में 15 जा रहा है, मतलब छोटे से बड़ा घट रहा है, इसका मतलब माइनस लगेगा, और 15 में ही 12 जाएगा तो 3 आएगा, फिर 8 में 12 छोटी से बड़ा तो माइनस, अब 12 में ही 8 जाएगा तो ये 4 आया, ठीक। फिर एक अंत प्रकार का देखिए, तीसरा भी है, देखिए इसको काउंट नहीं करते तो आपको मालूम है, ठीक ना। हम देखें तीसरा देखते हैं, -7 + 5 - 7 + 12 + 3 - 12 ही कर लेते हैं, -10 + 1 - 10 + 15। देखिए इसमें क्या है, अगर आपको कहीं भी माइनस और प्लस दिखाई दे, ठीक ना, कहीं भी माइनस प्लस, कहीं भी माइनस प्लस दिखाई दे तो उसमें हमेशा क्या करिएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी। तो 7 में 5 गया 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह देखा जाता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है तो माइनस लगेगा। फिर देखिए -7 + 12, माइनस प्लस कहीं भी लिखा होगा, अगर एक माइनस एक प्लस लिखा हो तो 12 में 7, बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या घटाएंगे, ठीक ना, तो 5 आया। अब देखेंगे चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, तो बड़ी संख्या 12 है, 12 के आगे किसका चिन्ह है, तो प्लस का, तो यहाँ प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है शुरू में, ये अगर यहाँ प्लस हटा देते हैं तब भी पता चलता है कि ये +5 है। फिर 10 और 1, क्या करेंगे, 10 में से 1 गया 9 और अब बड़ी संख्या में देखेंगे चिन्ह किसका है, तो बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर 10 और 15 लिखा है तो क्या करेंगे, 15 में ही 10 घटाएंगे, तो 5 आया और बड़ी संख्या में किसका चिन्ह लगा है, प्लस का, तो ये प्लस का लग गया, ठीक ना। इसको अच्छे से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं बीजगणित के जोड़ घटाना गुणा भाग।
तो इसके अंतर्गत पहला टाइप देखते हैं, देखिए x प्लस एक्स, फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स, सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स, माइनस सेवन माइनस फाइव एक्स, माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स और सेवन एक्स माइनस टेन एक्स। देखिए बीज गणित इसलिए हुआ कि इसमें x लग गया। देखिए ये जुड़ता ऐसे अपने ही तरह से है, जैसे x और x, तो x x 2x जाएगा, ठीक ना। कहीं कहीं आपको x स्क्वायर भी हो जाता है तो वो यहाँ होता है। देखिए x अगर गुणे में x होता, जैसे x प्लस x है तो 2x हो गया, यहाँ x गुणे x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। मैंने यहाँ एक संग लिख दिया ताकि आपको फर्क पता चले, ये होता है तो 2x होगा और गुणे में रहेगा तो x स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार इसको देखते हैं, देखिए इसमें x 5x और 7x है तो क्या होगा, ये x और x एक बार ही लिखाएगा, ये क्या होगा इसके गुणांक जो हैं, ये इसको गुणांक बोलते हैं, ये आपस में ही हल होते हैं। तो 5 प्लस 7 12, फिर 7 में 5 गया, 7 में 5 गया 2 और x है तो x लिखाएगा। फिर इसमें देखिए माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस फाइव है तो x x एक बार x लिख देते हैं और इसके गुणांक को ही हल करेंगे। तो क्या लिखा है गुणांक में, माइनस सेवन माइनस फाइव, तो मैंने भी पहले इसके पहले बताया माइनस 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 और अंक जुड़ जाता है तो 7 5 12। फिर देखिए इन दो का बदले x लिख किया, देखिए माइनस सेवन प्लस फाइव, माइनस सेवन प्लस फाइव जैसे भी मैं पहले बताया। तो अगर कहीं भी एक माइनस और एक प्लस लगा हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, 7 में 5 गया 2 और देखिए बड़ी संख्या में चिन्ह किस बात का है, चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगेगा, इसका मतलब माइनस 2 आया यहाँ पर। इसी प्रकार इसको देखिए छोटे से बड़ा है तो घटेगा, तो मतलब माइनस चिन्ह तो लगेगा ही, मगर घटेगा बड़ी में से ही छोटी संख्या, तो 10 में 7 गया 3 और x को x लिख लिया, तो ये हो गया जोड़ वाला, इस तरह घटाना हो गया। अब गुणा में देख लेते हैं, गुणा में कुछ लिख लेते हैं इसको। देखिए ये कुछ सवाल हैं, इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले अंकों में है, गुणे में है, तो 15 छक्के जितना भी होता है पहले गुणा करके लिख लेते हैं, 15 छक्के 90। अब इसको गुणा करते हैं, देखिए इसमें क्या है, 2 गुणा में, अब इसमें थोड़ा सा बेसिक हम बता देते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ, देखिए 7 गुणे 5 माइनस 7 गुणे -5 माइनस 7 गुणे 5 और 7 गुणे -5, ठीक ना। 7 5 35, 7 5 देखिए माइनस अगर गुणे में, ये गुणा का चिन्ह है, अगर गुणे में माइनस लिखा है तो माइनस को बाद में देखते हैं, पहले अंकों का गुणा करते हैं। तो 7 5 35, अब इसमें देखिए माइनस कितने हैं, माइनस देखिए यहाँ 2 है, तो 2 माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस का यहाँ प्लस होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें 7 5 35, एक माइनस में है तो माइनस 35 में आएगा। एक माइनस कहीं भी लगाओ, किसी भी पद में लगाओ, यहाँ लगा है चाहे यहाँ लगाओ, माइनस में ही आएगा, 7 5 35 माइनस के संग। और अगर 3 लिखा हो, -7 -5 -1, ठीक ना, अगर इस तरह का लिखा हो तो क्या होगा, 7 5 35 35 से कम 35, ठीक ना, 7 5 35 35 से कम 35। 2 माइनस आपस में कैंसिल हो गया, 1 माइनस बच गया तो 1 माइनस लिख दिए। इसी प्रकार -7 -5 -1 -2, अगर इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 5 35, पहले माइनस छोड़ के पहले अंकों का गुणा कर लेते हैं, 7 5 35 35 से कम 35 35 दूनी
तेईस, सॉरी 35 दूनी 70। देखिए दो माइनस कैंसिल हो गया, फिर दो माइनस आपस में कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया, ठीक ना, ये लिख लिया। इसी को इन्हीं की मदद से इनको हल करेंगे। देखिए दोनों में प्लस में है, प्लस में आ गया। अब 15 का 8 में गुणा कर लेते हैं तो 15 अट्ठे 120, एक माइनस है, एक माइनस है तो एक माइनस लगाएंगे। फिर इनका गुणा इसमें कर लेते हैं तो एक माइनस यहाँ लिखा है तो ठीक ना, एक माइनस यहाँ लिखा है तो 15 अट्ठे, देखिए सेम चीज़ अंक आ गया, बस माइनस मैंने इधर उधर किया इसलिए आपको दिखाने में समझने में इजी पड़ेगा, इसलिए सेम अंक मैंने लिख दिया है, ठीक ना। 15 अट्ठे 120, अब चूंकि माइनस एक है कहीं भी हो, अगर एक माइनस है तो एक माइनस लगेगा। फिर इनको गुणा कर लेते हैं, 12 15 180, ठीक ना, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 6 18, माइनस माइनस प्लस, ठीक ना, दो माइनस था तो कैंसिल हो गया। देखिए 7 पचे 35, 35 दूनी 70, और दो माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया, ठीक ना। लाल पेन से लिख देते हैं, इसको अलग से दिखाई देगा। इनको गुणा कर लेते हैं, देखिए बार क्या करें, सबका गुणा करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए यहाँ एक जीरो फंस गया, यहाँ अगर कहीं भी गुणे में अगर एक जीरो लिखा हो तो इसका आंसर हमेशा जीरो आता है, ठीक ना। जीरो का गुणा 12 तो जीरो, और जीरो गुणे माइनस 25 जीरो, तो जीरो हो गया। जीरो एकम जीरो, जीरो एकम एक नहीं होता, जीरो एकम जीरो होता है। फिर इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, 8 दूनी, देखिए 8 सत्ते 56, 56 दूनी में शायद दिक्कत हो सकता है, तो क्या करें, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, ठीक ना, एक माइनस है तो एक माइनस लगा लिया। अब इसी तरह देखिए 5 दूनी 10, 10 नवा 90, कितने माइनस, एक माइनस, एक माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया। इसी तरह इसको, तो इसको क्या करेंगे, 11 12 132, और गुणे 3 कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दिखाए 9, 3 एकम 3, ये आ गया 396। अब माइनस की देख बात की जाए, दो माइनस कैंसिल, दो माइनस कैंसिल, तो 396 ये आंसर ही हो गया, 132 3, ठीक ना। अब ये हो गया अंकों का, अब ये बीजगणितीय गुणा कैसे करते हैं उसको देखते हैं। देखिए बीजगणित में क्या होता है, सबसे पहले इसके अंकों, जहाँ जहाँ आपको अंक दिखाई दे अंक का गुणा कर लीजिए। देखिए 2 चौके 8, 8 दूनी 16, ये अंकों का गुणा हो गया। अब इसमें यक्स वाई जेड देखिए कहाँ कहाँ है, यक्स एक बार है, यक्स लिखा, वाई भी एक बार है, वाई लिखा, जेड एक बार है, जेड लिखा, इसका उत्तर हो गया ये। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें अंक कितने हैं, 2 चौके 8, और इसमें यक्स देखिए एक और एक दो है, तो यहाँ यक्स का घात 2 लगेगा, ठीक ना, यक्स 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 स्क्वायर गुणे में है तो यक्स, और वाई एक बार है तो ये वाई एक बार लिख दिया। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो 4 छंग 24, और यक्स और वाई देखिए यक्स एक बार है, वाई दो बार है, तो वाई का घात 2 हो गया। यक्स 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 तीन बार है, तो यक्स तीन बार लिख लिया, घात 3 लगा लिया। इसमें अंक कहीं नहीं है इसमें, तो आप देखिए यक्स कितनी बार है, यक्स 2 ये रहा और एक एक, तो कुल 3 बार हो गया, यक्स घात 3, और वाई वाई 5 बार है, वाई घात 5, और जेड एक बार, ऐसे लिखा। और इसमें देखिए अंक नहीं है तो कोई बात नहीं, यक्स देखते हैं 1 2 3, यक्स के घात 3, वाई 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 की घात 3, जेड 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 3 बार जेड है, तो जेड की घात 3 हो गया। अब देखें इसमें अंक आ गया तो अंक देख लेते हैं, 3 दूनी 6, ठीक ना। अब इसमें यक्स कितनी बार है, यक्स एक ही, यक्स की घात 2 है, वाई एक बार और जेड भी एक बार। अब माइनस देखिए, माइनस 2 बार है, कैंसिल। इसमें अब देखते हैं यक्स 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 स्क्वायर, ठीक ना, वाई और जेड, दो माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया तो एक माइनस लिख लिया। इसमें देखिए 3 दूनी 6, 6 पंचे 30,
एक्स कितनी बार है, दो और दो चार, एक्स की घात चार, वाई 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 की घात दो, माइनस कहीं नहीं है तो छोड़ देते हैं। इसमें देखिए तीन दूनी छः, एक्स दो और एक तीन और एक वाई, देखिए दो माइनस है तो कैंसिल हो गया तो ये उत्तर आ गया, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे जो जो बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।